You know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays. Hey guys, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग करियर में, क्योंकि यार गाइस कई बार ऐसा होता है जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनका मन नहीं कर रहा होता है प्रोग्रामिंग करने का, उनका मन जो है लगता ही नहीं है, थोड़ी देर बैठते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए फिर उसके बाद जो उनका मन उचड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको डिसमोटिवेट फील करने से बचा सकती हैं, और हम आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे आपको जिससे आप अपनी प्रोग्रामिंग करियर को एनहेंस कर सकते हैं, उसका लेवल बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं। यार मैं पहला बात तो ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग प्रोफेशनल कोडिंग करते हैं ना, उन लोगों को प्रॉपर रेस्ट चाहिए ही होता है, क्योंकि उनका काम होता है कि 8 से 9 घंटे लगातार एक ही जगह पे चेयर टेबल पे बैठ के प्रोग्रामिंग करना, तो उनको जो है प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, बॉडी को भी एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है, तो उनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। और बिगनर के लिए यार मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी बिगनर्स हैं तो वो अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए यार टाइम देना ही पड़ेगा, टाइम दो अपने स्किल को एनहेंस करने के लिए, तभी ये सब हो पाएगा। दूसरे टिप की तरफ बढ़ते हैं। गाइस जो लोग कहते हैं कि हमारा माइंड डाइवर्ट होता है प्रोग्रामिंग करते वक्त, या कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता प्रोग्रामिंग करते वक्त, तो गाइस जैसे कि आपका मन इधर उधर भटकता रहता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक सुनने से क्या होगा, हमारा जो माइंड इधर उधर भटका हुआ है वो सिर्फ दो जगहों में आ जाएगा, जैसे एक तो हमारा प्रोग्रामिंग में आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा हमारा सॉन्ग सुनने में। तो हमारा जो बाकी चीजों से जो माइंड डाइवर्ट हो रहा था वो हमारे से दो चीजों में केंद्रित हो जाएगा, तो उससे तो अच्छा ही है कि हमारा दो चीजों में केंद्रित रहे बाकी सब जगहों से हटके, तो कम से कम हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ। गाइस मैं तीसरी ट्रिक में बताता हूँ आपको क्या करना है। गाइस अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तो यार जो काम आप 8 घंटे में कर रहे हो ना, वो चीज आपको 6 घंटे में हो जाएगी, धीरे धीरे वो 4 में हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे आपका टाइम और प्रोडक्टिव होता जाएगा। गाइस जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो काम हम 8 घंटे में करेंगे वो लोग जो है 16 घंटे में करते हैं, वो लोग क्योंकि टाइम पास करते रह जाते हैं, कभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो कभी नोटिफिकेशन फोन में देखने लगेंगे, कभी कुछ करने लगे, कभी उनका दिमाग कल क्या कर रहे थे उसमें चला जाता है, कभी कुछ करने लगेंगे, इस तरह में उनकी प्रोडक्टिविटी धीरे 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 घटती जाती, और घटने से क्या होता है उनके जो डेली लाइफ का रूटीन है उनको पता ही नहीं चलता उनका टाइम कब निकल जा रहा है, कब उनके हाथ से धीरे धीरे टाइम खिसकता जाता है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को गाइस हम बढ़ाना है यार, अपनी प्रोडक्टिविटी को अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को इतना अच्छा कर लेना है ना हमको कि हम प्रोग्रामिंग में जो काम कोई अपने 8 घंटे में कर रहा है उसको हम उसको 4 घंटे में कर दें, उसका टाइम सीधे हाफ कर दें। तो चलिए चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रिक की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज योगा या ऐसा कुछ जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज मिले तो आपकी बॉडी वर्क कर सके, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग करते हैं ना आप तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्टक हो जाती है और आपका ब्रेन बस प्रोसेस करता रहता है, ब्रेन और बॉडी बिल्कुल मशीन की तरह, उनको चलाओगे नहीं, उनको कुछ काम नहीं दोगे तो वो बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। और ब्रेन हमेशा आप याद रखिए कि ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन हमेशा जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तभी ब्रेन सोच रहा होता है, ब्रेन तभी सोचता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, क्योंकि ब्रेन जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो ब्रेन तो काम कर रहा होता है, वो प्रोसेस हो रहा होता है, वो कुछ आइडियाज न्यू इन्वेंशन को नहीं सोच रहा होता है। तो हमें जो है अपनी बॉडी को प्रॉपर योगा देना, एक्सरसाइज देना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ना बिल्कुल एक ऐसे मशीन की तरह काम करे जो बिल्कुल बहुत अच्छा हो। गाइस इसे आप टिप कह लो या कुछ भी कह लो कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा यार। गाइस एक बात ये सोचिए आप कि अगर मार्क ज़करबर्ग यही सोचता अपने बचपन में कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रही प्रोग्रामिंग, यही सब सोचता रहता है, या बिल गेट्स को आप सोचिए, अगर आप बिल गेट्स के बारे में सोचिए जा रहा है, अगर वो भी बचपन में अपने यही सोचता रहता कि मेरे से नहीं हो पाएगा मैं इसको क्विट कर देता हूँ, तो क्या आज वो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक होता, क्या मार्क ज़करबर्ग फेसबुक का मालिक होता, नहीं होता ना। अगर आप आज यही सोचेंगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा मैं क्विट कर दूँ, या मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आ सकती, मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, या मैं 30 के ऊपर हो गया हूँ, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप कभी नहीं कुछ कर पाएंगे। तो गाइस यार आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट नहीं लगाओगे तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो गाइस यार आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि यार एफर्ट लगाओ अपने
अपना पूरा 100 का 200% हो, अपना फुल कॉन्फिडेंस रखो कि यार कैसे नहीं होगा मेरे साथ, ये होगा ही होगा, मेरे से कैसे नहीं हो सकता ये सब। तो गाइस इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, यार वीडियो पसंद आए तो यार अपने ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप में शेयर करो, फैला दो यार इसे।